इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे यूनाइटेड नेशन की। यूनाइटेड नेशन की बात करने से पहले आपको बता दें, हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी ऑन एडीयू है। इस पे आपको सारे अपडेट्स, डेली न्यूज़पेपर, इसके अलावा मैगजीन मंथली और क्लास की अपडेट मिलती रहेंगी। अगर आपने अभी तो फॉलो नहीं किया है तो आप टेलीग्राम पर जाकर फॉलो करते कर सकते हैं। चैनल को अगर आप सभी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनाइटेड नेशन की। यूनाइटेड नेशन को समझने से पहले हम उसके कैसे वो बना उसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं। और इसके पहले अगर बात करें तो इसका संबंध यूपीएससी के पेपर 2 से, इंटरनेशनल रिलेशन से इसका संबंध है। अगर यूनाइटेड नेशन की बात करें तो इसके इतिहास की बात करें तो इसे पहले लीग ऑफ नेशंस के नाम से जाना जाता था। ये दुनिया का पहला अंतर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन था जो दुनिया के शांति को बनाए रखने के लिए बनाया गया था। और इसके इतिहास में ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है बनाया गया था 10 जनवरी 1920 को। इसे पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है, जिसे वर्साय की संधि के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बाद बात करें कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद तो लीग ऑफ नेशन बना। लीग ऑफ नेशन बनने के पहले प्रथम विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की दुनिया कैसी थी? तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की शुरुआत जो है लगभग 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला। ये फर्स्ट वॉर, इसे ग्रेट वॉर के नाम से भी जाना जाता था। इसमें मुख्य शक्तियां और मित्र राष्ट्रों का समूह शामिल था। अब मित्र राष्ट्रों की बात करें तो इसमें फ्रांस, रूस, ब्रिटेन जैसे महाशक्ति शामिल थे। और 1917 के बाद मित्र राष्ट्रों में कौन, अमेरिका जैसा देश भी शामिल हो गया जो मित्र राष्ट्रों की ओर से लड़ा। और सेंट्रल पावर की बात करें केंद्रीय शक्तियों में तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य, बुल्गारिया जैसे देश भी शामिल थे। तो जैसे हमने बात की कि पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुई 1920 में यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद, तो जो वर्साय संधि थी, ट्रीटी ऑफ वर्साइल या वर्साय के संधि के नाम से ज्यादा है, उसे 28 जून 1919 को ये संधि हुई। तो ये प्रथम विश्व युद्ध की आधिकारिक समाप्ति की घोषणा इसी संधि के बाद की गई। और वर्साय की संधि का जो ध्येय था यानी उसका जो दुनिया के दूसरे जो युद्ध में जाने से रोकना, जो देश थे वो रोकने का काम था। अगर इसके बारे में आपको डिटेल पढ़ना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की और क्या क्या कार्ड थे, तात्कालिक कार्ड क्या थे या पहले जो कार्ड क्या थे, उसके बारे में पढ़ने के लिए सबसे अच्छी बुक है ओल्ड एनसीईआरटी की बुक है मेरे हिसाब से, क्लास 12 की। और उसमें एक और दो भाग एक ही में है तो वो सबसे बेस्ट बुक है। हालांकि इसके अलग वीडियो हम बनाएंगे। अगर आपको जिसको पढ़ना है तो ओल्ड एनसीईआरटी वर्ल्ड हिस्ट्री की, जो समकालीन विश्व इतिहास के नाम से आता है हिंदी में, भाग 1 भाग 2 एक ही में, क्लास 12 का, उसमें जाके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बात करें कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अगर आप बात करें कौन से एलाई पावर थे और कौन से सेंट्रल पावर थे, जैसे बात की रसिया, रोमानिया, फ्रांस, पुर्तगाल, इटली, ग्रीस, साइबेरिया, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट जो 1917 में शामिल हुआ, ये जो है एलाइज पावर थे। सेंट्रल पावर में हमेशा जो है जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, बुल्गारिया, ऑटोमन एम्पायर था। तो ये था जो पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी पेरिस यानी लीग ऑफ नेशन बनने का कार्ड था, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है लीग ऑफ नेशन बना। इसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, अभी हम देखेंगे आगे कि लीग ऑफ नेशन क्यों नहीं चल पाया, उससे कारणों को भी जानने की कोशिश करेंगे। अब उसके बाद क्या हुआ, दूसरी विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ। तो ये 1939 से 1945 के बीच जो है बहुत बड़े व्यापक स्तर पर होने वाला एकमात्र सशस्त्र युद्ध था पूरी दुनिया के इतिहास में। तो इसमें दो प्रतिद्वंदी थे, एक जो धुरी राष्ट्र थे यानी गुट वॉर, जर्मनी, इटली, जापान था, और एक था मित्र राष्ट्र जो फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, यूएसए, सोवियत संघ और कुछ हद तक उसमें चीन भी शामिल था। दुनिया का सबसे बड़ा संघर्ष द्वितीय विश्व युद्ध लगभग 6 साल तक चला। 100 मिलियन लोग यानी 100 मिलियन लोग मारे गए, 50 मिलियन लोग ऐसे थे दुनिया की आबादी के 3% जो है इसमें मारे गए थे, और लगभग 100 मिलियन लोग शामिल हुए थे।
अब वर्षाय की संधि की बात हमने की थी, तो वर्षाय की संधि का ही परिणाम दूसरी विश्व युद्ध था। द्वितीय विश्व युद्ध कहीं न कहीं वर्षाय की संधि का परिणाम था, और इसमें जर्मनी के ऊपर ये थोपा गया था, ये संधि थोपी गई थी, जिसमें जर्मनी के ऊपर क्या गया था, वर्षाय के संधि के फलस्वरूप मित्र राष्ट्रों के द्वारा क्या गया, बहुत बड़े मात्रा में आर्थिक दंड लगाया गया था। उसके जो खनिज संपन्न क्षेत्र थे उसे क्या किया गया, हथिया लिया गया था मित्र राष्ट्रों के द्वारा, उसकी सेना रखने पर प्रतिबंध कर दिया गया था। तो और इसी कारण जर्मनी जर्मनी में अति राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ और हिटलर जैसा शासक वहां पर आया। तो ये था द्वितीय विश्व युद्ध। अब अगर धुरी राष्ट्रों की बात करें तो इटली, जर्मनी और जापान था। जो एलाई राष्ट्र थे उसमें यूएसए था, ग्रेट ब्रिटेन था, फ्रांस था, यूएसएसआर था, यानी उस समय का रशिया, जिसे हम यूएसएसआर के नाम से जानते थे पहले। अब उस टाइम क्या हुआ था, जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर था तो उस टाइम इटली में क्या था, मुसोलिनी था, जो फांसीवाद पार्टी का, फांसीवाद विचारधारा में विश्वास रखता था, और उसका मानना था सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट। और सेम वही कंडीशन था उस टाइम नाजी हिटलर का, वो भी बिलीव करता था कि सबसे पावरफुल क्या होता है, ऑल पावरफुल स्टेट, और उसका विश्वास था कि टेरिटोरियल एक्सपेंशन पर, और वो जो है एथनिक शुद्धता पर बहुत ज्यादा विश्वास रखता था। यानी जर्मनी के लोग, नाजी लोग, वो सबसे अपने आप को क्या शुद्ध मानता था। उसने क्या किया, हिटलर ने 1939 में जो है पोलैंड पर आक्रमण किया, फ्रांस पर 1940 में, इसके अलावा यूएसएसआर की तरफ 1941 में बढ़ा। सेम यही किया गया इटली ने, जो मुसोलिनी था उसने 1936 तक जो है क्या किया, इसने साथ दिया जर्मनी का। जापान की बात करें एक्सिस पावर में, तो यहाँ पर जो है ये भी टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना चालू किया, इसने मंचूरिया पर आक्रमण किया 1931 में, और उसके बाद 1937 में क्या किया, उन्होंने जो है चाइना पर इन्वेड कर दिया। और उसके बाद पर्ल हार्बर 1941 में जापान ने जो है, जो यहाँ पर आएंगे आप क्यूबा जैसे, क्यूबा की तरफ आएंगे यूएसए के, जो ग्रेट एंटलीज वाला क्षेत्र है वहां पर जो है उसने आक्रमण किया। एलायंस ग्रुप की बात करें तो उस टाइम जो यूनाइटेड स्टेट था, तो उसने क्या किया, न्यूट्रलिटी एक्ट पास किया 1935, 1937, 1939 में, ठीक है। और उसने क्या किया, एड पर देना चालू किया अपने लैंड को जो है ब्रिटेन, चाइना और यूएसएसआर को। और 1941 में उसने जापान के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। ग्रेट ब्रिटेन का उस समय जो कंडीशन थी, तो उसने ट्राई टू अपील हिटलर बाय अलाउिंग द टेरिटोरियल ग्रोथ। और 1939 में इसने भी जर्मनी के खिलाफ जो है वॉर कर दिया। फ्रांस भी उस टाइम जो है ग्रेट ब्रिटेन का जो है हिटलर के टाइम था, उसने भी जर्मनी के खिलाफ जो 1939 में वॉर डिक्लेयर कर दिया, जब जर्मनी ने 1939 में पोलैंड पर आक्रमण किया। इसके बाद यूएसएसआर कंडीशन देखा तो वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, तो वहां पर डिक्टेटर जो स्टालिन था वो इंडस्ट्रियल पावर को जो है सपोर्ट करता था। तो ये सब थी कंडीशन, इसको और डिटेल में पढ़ेंगे आगे, अभी हम लोगों को यूनाइटेड नेशन देखना है। अब बात करें लीग ऑफ नेशन की विफलता के कारण, यानी जो 1920 में बना था, 1919 में स्थापना हुई थी, ये विश्व शांति को बनाए रखने के लिए बनाया गया था। यह संगठन जो था विश्व के सभी देशों को अपना सदस्य बनाना चाहता था, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी देशों सदस्य बनाना चाहे, और जैसे वर्तमान में यूनाइटेड नेशन में 193 सदस्य हैं, तो उसमें उतने सदस्य शामिल नहीं थे। और इसका ध्येय था अगर सभी सदस्य इसमें शामिल हो जाएंगे तो उनके बीच जो विवाद है वो विवाद युद्ध तक न जाकर जो है बातचीत के बजाय सुलझाया जा सकता है। तो लेकिन अगर संयुक्त राष्ट्र का विचार तो अच्छा था, लेकिन उसमें सभी देश शामिल नहीं हुए इसलिए वो सफल नहीं हुआ। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के पास, यानी सॉरी लीग ऑफ नेशन के पास अपनी कोई सेना नहीं थी। जैसे इटली, इथोपिया और जापान के मचूरिया क्षेत्र पर जब आक्रमण किया था जापान ने 1939 में, तो उसको रोकने के लिए उसके पास कोई सेना अपनी नहीं थी, जैसे आज यूनाइटेड नेशन के पास है। तो ये एक असफलता का कारण था लीग ऑफ नेशन। अब इसी के फलस्वरूप क्या जन्मा, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना दूसरी विश्व युद्ध के महत्वपूर्ण परिणामों में से एक थी। संयुक्त राष्ट्र का जो ध्येय था वो मानव जाति की आशाओं और आदर्शों को सुनिश्चित करता था। उसका एक अपना चार्टर बनाया गया जिसमें उसने क्लियर किया कि हम क्या क्या करेंगे,
उसकी अपनी एक सेना थी जिसमें सभी देश शामिल जो है, उसमें 193 देश शामिल हैं, उसमें सभी देश अपनी अपनी सेनाओं का योगदान देते हैं। अब इसके पहले ही जो ये कॉन्सेप्ट है यूनाइटेड नेशन का, जो अटलांटिक चार्टर आया यानी नाटो बना, नाटो अलायंस बना, उसका कॉन्सेप्ट बन चुका था, उस पर सहमत हो चुकी थी। इसके अलावा बात करें तो जब लीग ऑफ नेशन बना तो 1919 में ही जो है आईएलयू अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हो चुकी थी, और वर्साय के संधि के तहत ही संयुक्त राष्ट्र की एक संबंध एजेंसी के रूप में इसे मान्यता भी मिल गई थी। अब यूनाइटेड नेशन का नाम जो आया वो राष्ट्रपति थे, अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट फ्रैंकलिन, उनके द्वारा दिया गया। 1942 में क्या हुआ था, यूनाइटेड नेशन घोषणा पत्र है जिसमें 26 देशों ने हस्ताक्षर किए और अपनी सरकारों द्वारा सहमत कर जो है रोम, बर्लिन, टोक्यो एक्सिस के खिलाफ संघर्ष जारी रखने का वचन दिया और उन्हें शांति स्थापित करने का बाध्य किया गया। अब अगर बात करें उसी दौरान क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व में एक तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हुआ, फिर 1929 में क्या हुआ, आर्थिक मंदी आई। आर्थिक मंदी के बाद जो विश्व में नई व्यवस्था बनना चालू हुआ, नए विश्व की आर्थिक व्यवस्था बनना चालू, ब्रेटन वुड्स में उसी टाइम क्या हुआ, सम्मेलन हुआ जिसे आधिकारिक तौर पर यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस के रूप में जाना जाता था, जिसे 1 से 22 जुलाई 1944 तक 44 देशों के प्रतिनिधि उसमें शामिल हुए। यानी ये सब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की घटनाएं उसी दौरान जो है चालू हो गई, क्योंकि आर्थिक मंदी का कारण था और उसका जो तात्कालिक उद्देश्य था इसका, यानी ब्रेटन वुड्स कौन सम्मेलन का, द्वितीय विश्व युद्ध और विश्वव्यापी संकट से जूझ रहे जो देश हैं यानी उसके जो प्रभावित देश हैं उसकी मदद करना। लेकिन अब उसी दौरान बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था प्रभावित थी, उसी में आर्थिक मंदी आ गई, उसके लिए इन सबको दूर करने के लिए आईबीआरडी की स्थापना की गई यानी री इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय बैंक की स्थापना की गई, जिसे अब जो है विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। और इसी दौरान जब नई विश्व की आर्थिक व्यवस्था की शुरुआत हो रही थी, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हो रहा था अमेरिका में, तो उसमें जो है अमेरिकी डॉलर को जो है सर्वसम्मत से क्या हुआ, रिजर्व मुद्रा के रूप में मान्यता मिली कि इस अमेरिकी डॉलर के द्वारा ही जो है सारे ट्रेड या सारे एड जो है दिए जाएंगे। अब एक बार फिर से इसको ब्रीफली समझ लेते हैं कैसे क्या हुआ था। अगर बात करें तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चालू हुआ 1914 से 1918, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान क्या आया, लीग ऑफ नेशन। इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के द्वारा जो आया, यूएन आया। इसी के पैरेलल जो है 1949 में जो है नाटो बन चुका था, 1949 में ये बन चुका, उसकी जो प्रक्रिया पहले से चालू थी अलायंस का। तो 25 अप्रैल 1945 को जो है ये ड्राफ्टिंग स्टार्ट हुई यूनाइटेड नेशन चार्टर की, अडॉप्ट किया गया 25 जून 1945 को और प्रभाव में आया 24 अक्टूबर 1945 को, ये यूनाइटेड नेशन प्रभाव में आया। अब इसके मेन हेडक्वार्टर की बात करें, मेन हेडक्वार्टर कहाँ है, ये न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में है, और इसके चार और हेडक्वार्टर हैं जो जिनेवा, नैरोबी, वियना और हेग में इसके अदर हेडक्वार्टर हैं। अब एक बार जो है फिर इसको ब्रीफली इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। 1945 में स्थापित किया गया एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, इसमें 193 देश शामिल है। लेटेस्ट 2011 में साउथ सूडान शामिल हुआ, और इसका विश्वास जो है जो चार्टर में जो निहित उद्देश्य है उसको, सिद्धांतों का पालन करना, उसको लागू करवाना, और लागू करवाने के लिए क्या है, यूएन के पास उसके विभिन्न अंग हैं और विशेष एजेंसियां हैं जिनके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और उसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, मानव अधिकारों की रक्षा करना, मानवीय सहायता पहुंचाना, सतत विकास लक्ष्यों को बढ़ावा देना, तो ये उसके ऑब्जेक्टिव हैं। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय कानून को भली भांति कार्यान्वयन करना, जो अभी रशिया और यूक्रेन में वार चल रहा है, तो यूक्रेन जो अभी 10 सूत्री अपना कार्यक्रम लाया था तो वो इसी यूएन चार्टर का ही हवाला दे रहा था कि इसके अनुरूप जो है कार्य किया जाए। अब बात करेंगे नाटो के बारे में, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो नाटो की बात करें, नाटो 1949 में स्थापित किया गया और ये सोवियत संघ के खिलाफ एक सामूहिक सुरक्षा प्रदान करता है, जो उस टाइम के बात कर रहे हैं जो सोवियत संघ था, यूएसएसआर था, जिसमें शामिल थे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा। 1949 को ये नाटो की स्थापना वाशिंगटन संधि के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना की गई, और ये एक प्रकार का सैन्य गठबंधन है, यानी नाटो में शामिल जो देश हैं
अगर एक देश पर हमला हुआ, इसका मतलब नाटो में शामिल जितने देश हैं सब पर वो हमला माना जाएगा। इसके मूल सदस्य की बात करें उसमें बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे। मूल हस्ताक्षरकर्ता की बात करें तो इसमें ग्रीस और तुर्की 1952 में, पश्चिमी जर्मनी की बात करें 1955 1990 तक, तो अल्बानिया, क्रोशिया की बात करें 2009 में शामिल हुआ, मॉन्टेनेग्रो जो है 2017 में इसके एलाई के रूप में शामिल हुआ, और मैसेडोनिया 2020 में शामिल हुआ, लेटेस्ट यही है मैसेडोनिया। फ्रांस 1966 में नाटो को एकीकृत सैन्य कमान से हट गया और लेकिन संगठन का सदस्य बना रहा, 2009 में नाटो की सैन्य कमान में वापस शामिल हुआ। हाल ही में जो है फिनलैंड और स्वीडन की बात करें, जिसे रशिया जो है बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, फिनलैंड और स्वीडन जो नाटो में शामिल होने की बात कर रहे हैं असुरक्षा को देखते हुए, उसके लिए जो है रशिया बहुत ज्यादा एग्रेसिव है और नाटो का मुख्यालय बेल्जियम ब्रुसेल्स में है। एलाई कमांड ऑपरेशन का मुख्यालय जो है मांस बेल्जियम में है। अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सम संगठन यानी सॉरी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 1945 यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर जो यूएन का सम्मेलन 1945 उसकी बात करेंगे। तो ये सम्मेलन स्टार्ट हुआ सैन फ्रांसिस्को में यानी यूएसए में, 50 देशों को प्रतिनिधि उसमें शामिल हुए और यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर तैयार किया गया था उस पर हस्ताक्षर किया सब लोगों ने, यानी कैसे काम करेगा यूनाइटेड नेशन, उसमें क्या क्या कार्य होंगे, उसकी एजेंसियां कौन कौन सी होंगी, उसकी सहायक जो एजेंसियां कौन सी होंगी, कैसे देश में से उस सेनाएं रखेगा, ये सब चार्टर जो है शामिल किया, कैसे दुनिया में पीस को बढ़ावा दिया जाए, ये सब चीजों में चार्टर बनाया गया, एक नियम बनाया गया, उस पर जो है 50 देशों के प्रतिनिधि ने शामिल किया। 1945 में क्या हुआ, यह एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में संयुक्त राष्ट्र की आधारभूत संघ के रूप में ये दुनिया के सामने आया। अब यूनाइटेड नेशन के बारे में एक बार फिर बात करें, 6 अंगों की स्थापना जो है 1945 में ही हो गई थी जब यूनाइटेड नेशन जो है बन रहा था। कौन कौन सी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल काउंसिल, और एक है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यूनाइटेड नेशन की, और चौथा ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये 1994 से क्या है, इनएक्टिव है, यानी इसका जो है अभी जो है ये सुसुप्त अवस्था में है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 5वां, छठा है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट। ये 6 संस्थाएं जो हैं 1945 में जब यूनाइटेड नेशन बना था तभी बन गई थी। अब इनके बारे में, एक एक के बारे में हम लोग समझेंगे कि इनका कार्य क्या है, ये करती क्या है दुनिया को लेकर। तो जनरल असेंबली की बात करें तो इसका कार्य जो है विचार विमर्श करना, नियम बनाना, ये इन सब के लिए उत्तरदायी है। वर्तमान में 193 सदस्य इसमें शामिल हैं जो इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। ये यूनाइटेड नेशन का सार्वभौमिक प्रतिनिधित्व वाला एकमात्र यूनाइटेड नेशन का निकाय है और प्रतिवर्ष सितंबर में यूएन के सभी सदस्यों की वार्षिक महासभा का आयोजन न्यूयॉर्क में किया जाता है, जिसे जनरल असेंबली के नाम जनरल असेंबली में किया जाता है, और उस पर जनरल बहस होती है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि जो जनरल असेंबली में जो बहस होती है उससे सामान्य बहस होती है, और जो हर साल सितंबर में किया जाता है महासभा में महत्वपूर्ण प्रश्न जो निर्णय लेने का काम होता है वो, जैसे अब महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या है, जैसे शांति एवं सुरक्षा, नए सदस्यों का प्रवेश, बजट का, उसके लिए क्या आवश्यकता होती है, 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, अन्य प्रश्न पर साधारण बहुमत लिया जाता है। महासभा के अगर जनरल असेंबली के हम अध्यक्ष की बात करें तो प्रत्येक वर्ष क्या होता है, एक वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। अभी 77 यानी 77वां जनरल असेंबली 2022-2023 के लिए हंगरी के जो है कोसाबा कुर्सियों को जो है प्रेसिडेंट चुना गया। अब यूनाइटेड नेशन की 6 प्रमुख समितियां हैं जो महासभा के लिए क्या करती है, महासभा प्रस्ताव जो है तैयार करती हैं। जैसे प्रथम समिति की बात करें, द्वितीय समिति, तृतीय समिति, ऐसे करके 6 समितियां हैं। जो पहली समिति है वो निःशस्त्रीकरण अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित जो है मसौदा तैयार करती है। जो दूसरी समिति है वो आर्थिक वित्तीय सुरक्षा जैसे मामलों के लिए क्या करती है, मसौदा तैयार करती है। सामाजिक और मानवीय संस्कृत समिति जो है, उसके अलावा विशेष राजनीतिक और भी औपनिवेशीकरण की समिति है, चौथी समिति। पांचवी समिति की बात करें, प्रशासनिक और बजटी जैसे मुद्दों को वो देखती है। छठी समिति जो है कानून को जैसे मुद्दों को वो देखती है।
अब मुख्य समितियां भी हैं इसके अलावा। मुख्य समितियों में बात करें, प्रत्येक सदस्य जो है, ये 6 मुख्य समितियों की बात कर रहे हैं, जिसमें प्रत्येक सदस्य राष्ट्र का प्रतिनिधित्व केवल एक व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। अन्य समितियां भी ऐसे स्थापित की जाती हैं। सभी जो सदस्य हैं जो मुख्य समितियों में, वो राष्ट्र जो सदस्य राष्ट्र हैं उसका प्रतिनिधित्व का अधिकार होता है। और जो सदस्य राष्ट्र हैं इनके समितियों में, जैसे सलाह लेना, तकनीक सलाहकार है, विशेषज्ञ है किसी देश का, समान दर्जा वाले व्यक्तियों को भी नियुक्त कर सकता है। दूसरी बात करेंगे, ये तो जनरल असेंबली की बात हो गई, अब सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर लेते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा जैसी प्राथमिक जिम्मेदारी को निर्वहन करती है। ये 15 सदस्य राज्यों से मिलकर बनी होती है सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य हैं, जैसे चीन हुआ, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए। इसी को लेकर जो है अभी G4 कंट्री की हम बात करेंगे, वो भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, जैसे भारत, ब्राजील हुआ, जापान हुआ। तो इनका जो है दावेदारी को जो है फ्रांस जैसे देश भी जो है अपना समर्थन दे रहे हैं भारत को अस्थायी सदस्य में शामिल होने के लिए। अब क्यों शामिल होने के लिए भारत चाहता है, या विश्व को क्यों जो है यूनाइटेड नेशन में परिवर्तन लाने के लिए एक अब योजना बना रहे, उसकी बात हम करेंगे आगे। 5 अस्थायी सदस्य की बात करें तो अल्बानिया, ब्राजील, गैबोन, घाना, यूएई, ये शामिल है। अल्बानिया जो है पहली बार सुरक्षा परिषद में शामिल हो रहा है, जबकि जो ब्राजील है वो 11वीं बार जो है सुरक्षा परिषद में शामिल हो रहा है अस्थायी सदस्य के रूप में। गैबोन और घाना की बात करें, पहले 3 बार जो है काउंसिल में शामिल हो चुके हैं। यूएई की बात करें, 1 बार परिषद में शामिल हो चुका है। भारत की बात करें तो 2021 में 8वीं बार एक अस्थायी सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में प्रवेश किया था। अब बात करें वीटो पावर की। मेन मुद्दा है, दुनिया के में कोई भी अगर चीज करवानी है यूएन में, या कोई भी अपनी बात मनवानी है दुनिया को, तो उसका निर्णय कौन करता है सिक्योरिटी काउंसिल में, जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। तो जो 5 जो हमारे सदस्य हैं अस्थाई, वही पे करते, अगर एक भी वीटो कर दिया तो वो पास नहीं होना बिल। तो इसी कारण जो है वीटो पावर एक सुरक्षा परिषद किसी भी प्रस्ताव को वीटो यानी अस्वीकार करने के लिए जो अस्थाई सदस्य हैं उनकी शक्ति को जो है दिखाता है। संयुक्त राष्ट्र में सबसे अलौंग जो अलोकतांत्रिक लक्षण की बात करें, तो यूनाइटेड नेशन में सबसे अलोकतांत्रिक लक्षण यही हमको दिखता है, या दुनिया को दिखता है, वीटो पावर, जिसमें अगर एक ने वीटो कर दिया उसमें सभी के मत की इंपॉर्टेंट है ही नहीं, उन पे इंपॉर्टेंट 5 अस्थायी सदस्य, उनके मत की इंपॉर्टेंट है। आलोचक का मानना है कि वीटो पावर जो है युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराधों पर अंतरराष्ट्रीय निष्क्रियता को दिखाता है, उसका मुख्य कारण। हालांकि यूएसए जो है 1945 में जब तक उसे वीटो पावर नहीं मिला था, तब तक उसने क्या किया था, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल होने के लिए मना ही कर दिया था। लीग ऑफ नेशन की बात करें, वो उसमें शामिल ही नहीं हुआ था। वीटो पावर जब मिला तो वो जो है उसमें शामिल हो गया। वीटो पावर के समर्थक जो है वो अपने विचार प्रकट करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय जो स्थिरता है उसको बनाए रखने के लिए सैन्य हस्तक्षेप के खिलाफ एक जांच और अमेरिकी प्रभुत्व के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच के रूप में मानते हैं। ये जो वीटो पावर के समर्थक हैं उनका मानना है। अब बात करेंगे आर्थिक और सामाजिक परिषद के, यूनाइटेड नेशन की। इसका काम समन्वय, नीति समीक्षा, जो पॉलिसी है उनमें संवाद करना, और आर्थिक ढांचागत को बढ़ावा देना, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों को सिफारिश करना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन सभी मुद्दों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ये एक यूनाइटेड नेशन का प्रमुख निकाय है। महासभा द्वारा यानी जनरल असेंबली द्वारा 3 वर्ष की अवधि के लिए ये गठित किया, जिसमें 54 सदस्य होते हैं। और ये जो आर्थिक और सामाजिक काउंसिल है, ये सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर बहस करने के लिए और अपने सोच को प्रयुक्त करने के लिए यह एक केंद्रीय मंच के रूप में कार्य करता है। प्रत्येक वर्ष जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है वो वैश्विक महत्व की जो वार्षिक जो है थीम होती है, उसके इर्द गिर्द अपनी कार्य संरचना यानी अपने कार्य करने की स्थिति को रखता है। और आर्थिक और सामाजिक परिषद जो है साझेदार जो संपूर्ण जो यूएन का विकास प्रणाली है उस पर ध्यान केंद्रित करता है। और अन्य कार्य की बात करें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अलावा बात करें अगर आर्थिक और सामाजिक परिषद में, उसमें 14 विशिष्ट एजेंसियां होती हैं,
10 कार्यात्मक आयोगों का गठन होता है, 5 क्षेत्रीय आयोग होते हैं जो अपने समन्वय से कार्य करते हैं। अगर आर्थिक और सामाजिक परिषद की बात करें, उससे जुड़े कुछ निकाय हैं, यानी विशिष्ट एजेंसियां हैं जिसके सहायता से आर्थिक सामाजिक विकास दुनिया का होता है। जैसे बात करें संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन, ये आर्थिक और सामाजिक परिषद के अंतर्गत जो है ये विशिष्ट एजेंसी है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, एक यूनेस्को है, WHO, वर्ल्ड बैंक, IMF, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन IMO, ITO, इसके अलावा ऐसे विश्व विज्ञान संगठन, बौद्धिक संपदा अधिकार संगठन, अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष, विश्व पर्यटन संगठन, तो ये सब विशिष्ट एजेंसियां हैं जो आर्थिक और सामाजिक परिषद के अंतर्गत रहकर जो है दुनिया में आर्थिक सामाजिक विकास और संस्कृति को सहयोग करने में बढ़ावा देती हैं। इसके अलावा बात करेंगे क्षेत्रीय आयोग कुछ है इसी के अंतर्गत आर्थिक सामाजिक जो परिषद है, जैसे ECA यानी अफ्रीका आर्थिक सहयोग, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग जो सामाजिक आयोग है, और यूरोप आर्थिक सहयोग, लैटिन अमेरिका कैरेबियाई आर्थिक सहयोग, पश्चिमी एशिया आर्थिक सामाजिक सहयोग आयोग, ये सब कुछ उसके क्षेत्रीय आयोग है। और उससे संबंधित निकाय की बात करें तो जैसे नारकोटिक कंट्रोल के लिए उसका इंटरनेशनल बोर्ड है, महिलाओं के उन्नत के लिए अलग संस्था है, निकाय है, जनसंख्या पुरस्कार समिति है एक, HIV एड्स पर कार्य करने के लिए उसका अलग जो है संस्था है, यूनिसेफ है ये संबंधित निकाय है बच्चों पर ध्यान रखने के लिए। इसके अलावा व्यापार और विकास को बढ़ावा देने यूनाइटेड नेशन में अंगडाड है, महिलाओं के लिए अलग कोष है, UNDP है, इसके अलावा यूनेप है, UNHCR है शरणार्थियों के लिए, इसके अलावा जनसंख्या के लिए एक कोष है, फिलिस्तीन शरणार्थियों कार्य करने वाली संस्था राहत के लिए एजेंसी है UNRWA, ड्रग कंट्रोल अपराध निवारण के लिए एक संबंधित निकाय है जिसे ODCCP कहते हैं, और इसके अलावा विश्व में खाद्य कार्यक्रम को ले WEP है, UN हैबिटेट है सॉरी तो ये सब संबंधित निकाय मिलकर जो है दुनिया को चलाती है, यानी दुनिया पर अपना कार्य करती है। अब बात करेंगे चौथा, यानी ट्रस्टीशिप काउंसिल, इसे पढ़ने से कोई फायदा तो है नहीं लेकिन देख लेते हैं। 1994 से यह एकदम निष्क्रिय है, 1 नवंबर 1994 से संचालन बंद कर दिया था। बात करेंगे पांचवा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, यह एक यूएन का प्रमुख न्यायिक अंग है। जून 1945 में यूएन चार्टर द्वारा इसे स्थापित किया गया था। 1946 से यह अपना कार्य शुरू किया था। सचिवालय की बात करें, सचिवालय में यूनाइटेड नेशन के महासचिव और हजारों जो संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारी सदस्य हैं वो शामिल होते हैं, जो महासभा के और संगठन के अन्य प्रमुख अंगों द्वारा क्या करते हैं, अधिशेषित होते हैं और दिन प्रतिदिन जो डे डेली लाइफ में कार्य हो रहा है उसको जो है पूर्ण करते हैं। महासचिव संगठन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर क्या करता है, महासभा द्वारा 5 वर्ष के लिए जो महासचिव नियुक्त किया जाता है। यूनाइटेड नेशन महासभा में एंटोनियो गुटरेस यानी वर्तमान में 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक के लिए दूसरे कार्यकाल के लिए 9वें संयुक्त राष्ट्र के महासचिव नियुक्त किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो उसके कर्मचारी अंतरराष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर नियुक्तियां की जाती है जो सचिवालय है, और अपने कार्यस्थलों पर संपूर्ण विश्व के शांत अभियानों पर काम करता है सचिवालय। अब बात करेंगे कि यूनाइटेड नेशन ने दुनिया को क्या दिया है, यानी दुनिया में अपना योगदान क्या दिया है 1945, 24 अक्टूबर 1945 बनने के बाद, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद। सबसे पहले उसने शांति और सुरक्षा में अपना योगदान दिया है। अगर बात करें तो विश्व में जब से यूनाइटेड नेशन बना है, शांति और सुरक्षा के मामले में पिछले 6 दशकों में संकटग्रस्त जो स्थल हैं, जैसे शांति की जहां जरूरत है वहां पर मिशन भेजकर यूनाइटेड नेशन ने अपना शांत स्थापित करने में अपना सक्षम यानी सफल योगदान दिया है, जिससे कई देशों में संघर्ष से उभरने में सहायता प्राप्त हुई है। इसके अलावा बात करेंगे शांति और सुरक्षा में नाभिकीय हथियारों के प्रसार को रोकना। पिछले 5 दशकों से अधिक समय की बात करें, अंतरराष्ट्रीय जो परमाणु ऊर्जा एजेंसी है IAEA विश्व के नाभिकीय निरीक्षक के रूप में कार्य करती है, और अपने विशेषज्ञ
भेजती है यूनाइटेड नेशन और सत्यापित करने के लिए कि विश्व में जो है सुरक्षित नाभिकीय पदार्थों का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाए। यानी जो न्यूक्लियर पावर है वो सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्य जैसे हुआ एनर्जी के लिए अपने बिजली उत्पादन के लिए किया जाए, ना कि हथियार बनाने के लिए। एजेंसी ने अब तक 180 देशों से अधिक राष्ट्रों के साथ सुरक्षा समझौता किया है। यूनाइटेड नेशन दुनिया को निशस्त्रीकरण का समर्थन करने के लिए प्रेरित कर रही है और उसे कानूनी आधार भी दिया है। अभी तक 1997 की बात करें, 1997 की बात करें, सन 1997 रासायनिक हथियार कन्वेंशन हुआ, 190 राष्ट्रों द्वारा अनुमोदित किया गया। माइंड बैन कन्वेंशन हुआ 1997 में, 162 राष्ट्रों द्वारा उसे अनुमोदित किया गया। इसके अलावा शस्त्र व्यापार सन 2014 में उसे 69 राष्ट्रों द्वारा अनुमोदित किया गया। तो इन्होंने शांति और सुरक्षा में कंट्रीब्यूशन दिया है। नरसंहार को रोकने के मामले में, जैसे राष्ट्रीय, जाति, नस्ली और धार्मिक समूह को नष्ट करने के इरादे से जो भी नरसंहार किए गए हों उसके विरुद्ध यूएन ने प्रथम संधि स्थापित की, नरसंहार कन्वेंशन 1948। 146 राष्ट्रों द्वारा अनुमोदन किया गया। जो युद्ध और शांति के अलावा जो नरसंहार को रोकने के लिए नरसंहार में दंडित करने हेतु तो प्रतिबंधित है। युगलोवासिया और रवांडा का जो नरसंहार हुआ था, और कंबोडिया में संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्थित न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर जो नरसंहार हुआ था उसे अपराधियों को चेतावनी दी गई थी कि ऐसे जो नरसंहार हो रहे हैं वो बर्दाश्त नहीं किया जाता किया जाएगा। यूनाइटिंग फॉर पीस प्रस्ताव, यूनाइटेड महासभा ने यानी यूनाइटेड जनरल असेंबली ने प्रस्ताव 377वीं को शांत प्रस्ताव के लिए एकजुट होने के लिए रूप में जाना जाता है, यूनाइटेड पीस पाथ, 1950 में अपनाया गया। इस प्रस्ताव का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा खंड ए है, जिसमें कहा गया है कि जहां अस्थायी सदस्यों की एक मत की कमी के कारण सुरक्षा परिषद अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा के रखरखाव के लिए अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी का प्रयोग करने में विफल रहा, महासभा इस मामले में स्वयं अपने अंतर्गत लेगी। इसकी उत्पत्ति की बात करें, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अक्टूबर 1950 में कोरियाई युद्ध के दौरान सोवियत वीटो को आगे बढ़ाने के एक साधन के रूप में शांति प्रस्ताव को एकजुट होना शुरू किया गया। अब बात करेंगे कि आर्थिक विकास में यूनाइटेड नेशन ने दुनिया को क्या दिया है। तो विकास को बढ़ावा करने देने के लिए 2000 सन वर्ष 2000 के बाद संपूर्ण विश्व में एक जीवन स्तर यानी एक लेवल ऑफ लाइफ और जो स्किल है इंसान का और उसकी स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए उसने क्या दिया था, सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों द्वारा नेतृत्व प्रदान किया था यानी MDG। गरीबी को कम करना, सुशासन को बढ़ावा देना, संकटों के समाधान और पर्यावरण संरक्षण के लिए यूनाइटेड नेशन ने UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से समर्थित 4800 से अधिक परियोजनाएं चलाई। यूनिसेफ की बात करें तो उसने बच्चों के संरक्षण के लिए, टीकाकरण के लिए, लड़कों की शिक्षा और आपातकालीन सहायता के लिए 150 से अधिक देशों में कार्य किया। अगर अंकडाट की बात करें यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की बात करें तो विकासशील देशों को व्यापार के अवसरों का अधिकतम लाभ अर्जित करने में सहायता किया। विश्व बैंक की बात करें तो विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है। 1947 के बाद 170 से अधिक देशों में 12,000 से अधिक परियोजना में वर्ल्ड बैंक ने अपना योगदान दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी को कम करने की बात करें तो कृषि के विकास के लिए यूनाइटेड नेशन की संस्था IFDA यानी इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ने गरीब ग्रामीण लोगों को कम ब्याज दर पर क्या अनुदान दिया है, ऋण और अनुदान। ऋण मतलब वापस करना पड़ेगा, अनुदान मतलब वापस नहीं करना पड़ेगा, यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अफ्रीकी विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने अपनी उच्च प्राथमिकता अफ्रीकी विकास को दी, अफ्रीकी विकास पर ध्यान दिया। 36% जो व्यय होता है यूनाइटेड नेशन का वो अफ्रीकी विकास के लिए होता है, जो सबसे अधिक है विश्व में। और अफ्रीका के विकास के लिए यूनाइटेड नेशन की जितनी विशेष एजेंसियां स्पेसिफिक एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं अफ्रीका में। महिला कल्याण को बढ़ावा देने के लिए यूनाइटेड नेशन का वुमेन, लैंगिक समानता और महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए समर्पित एक संयुक्त राष्ट्र का एक संगठन है UN Women। उसके अलावा भुखमरी से निपटने के लिए FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन UN का भुखमरी को समाप्त करने के लिए प्रयासरत है। विकासशील देशों को जैसे कृषि वानिकी हुआ, मत्स्य पालन हुआ,
इसको आधुनिक तरीके से और उसमें सुधार लाने में सहायता करता है ताकि पोषण में सुधार हो सके, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हो सके। बाल कल्याण हो तो बात करें तो यूनिसेफ जैसी संस्था यूनाइटेड नेशंस की प्रतिबद्ध है जो सशस्त्र संघर्ष से प्रभावित बच्चों को टीका लगवाने और आवश्यकता अनुसार जो भी उनको जरूरत रहती है उनमें अपनी अग्रणी भूमिका निभाता है। 1989 के बाद संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक स्तर पर बाल विकास अधिकारों को अपनाया गया। अब बात करेंगे पर्यटन में यूनाइटेड नेशन ने क्या योगदान दिया है। तो विश्व पर्यटन संगठन उत्तरदायी है पर्यटन के विकास के लिए, जो एक सस्टेनेबल और सार्वभौमिक रूप से सुलभ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तत्पर है। पर्यटन के लिए वैश्विक आचार संहिता पर्यटन के नकारात्मक प्रभाव को कम करते हुए लोगों को अधिकतम लाभ देने के लिए प्रयासरत है। इसके अलावा वैश्विक थिंक टैंक के रूप में यूनाइटेड नेशन ने अनुसंधानों के मामले में सबसे अग्रणी भूमिका निभाई है जो वैश्विक समस्याओं का समाधान करने हेतु प्रयासरत है। यूनाइटेड नेशन की बात करें तो जनसंख्या प्रभाग, उसका जो पॉपुलेशन प्रभाग है यानी डिपार्टमेंट है, वैश्विक जनसंख्या वाले रुझानों की सूचना प्रदान करना, अनुसंधान करना एक प्रमुख सूत्र है जो जनसंख्या अनुमान को प्रस्तुत करता है। संयुक्त राष्ट्र की जो सांख्यिकी प्रभाग है यानी वैश्विक सांख्यिकी प्रणाली का केंद्र है जो वैश्विक आर्थिक, जनसांख्यिक, सामाजिक और लैंगिक पर्यावरण ऊर्जा के आंकड़ों को संकलन करता है और उसे प्रसारित करता है। संयुक्त राष्ट्र का विकास कार्यक्रम जो वैश्विक मानव रिपोर्ट हर साल वार्षिक प्रकाशित करता है, तो विकास के जो मुद्दे हैं, रुझान है, उसके नीतियों को स्वतंत्र जो आधारभूत विश्लेषण है उसको प्रसारित करता है और उसी के लिए यूएनडीपी क्या करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करता है वार्षिक। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जो विश्व आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण है वो संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण, विश्व बैंक द्वारा विश्व विकास रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा विश्व आर्थिक दृष्टिकोण, अन्य अध्ययनों से क्या करता है, वो अपनी नीति को निर्धारित करता है यूनाइटेड नेशन कैसे निर्णय लेना है। अब सामाजिक विकास में जैसे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, वास्तुकला और प्राकृतिक स्थलों का जो संरक्षण दिया जाता है वो यूनाइटेड नेशन का यानी जो सामाजिक आर्थिक काउंसिल है यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत, तो वो जो है यूनेस्को प्राचीन स्मारकों को, ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थलों को, प्राकृतिक स्थलों को संरक्षण करती है 137 देशों की सहायता की है। इसमें जैसे कल्चरल संपत्तियां हो गई, सांस्कृतिक डाइवर्सिटी हो गई यानी कल्चरल डाइवर्सिटी हो गई, जो उत्कृष्ट कलाकृति है या संस्कृत है और प्राकृतिक स्थल है उसको संरक्षण देने के लिए अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो क्या संरक्षण की व्यवस्था करती है यानी सम्मेलन करने की व्यवस्था करती है, जिसमें 1,000 से अधिक ऐसे स्थलों को असाधारण सार्वभौमिक मूल्य के रूप में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है यूनेस्को के द्वारा। अब वैश्विक मुद्रों पर अग्रणी भूमिका निभाया है यूनाइटेड नेशन ने। बात करेंगे यहां से आपको एग्जाम्स के दृष्टि से भी कुछ चीजें ध्यान रखनी है, एक श्रृंखला आपको मिल जाएगी यानी एक क्रम मिल जाएगा कि कैसे वैश्विक मुद्दों पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यानी इन्वायरमेंट से संबंधित कैसे कैसे वो क्रम आगे बढ़ा, जो आज हम लोग देखते हैं पेरिस एग्रीमेंट, कॉप एग्रीमेंट, वो कैसे आया, तो उसके बारे में आपको कुछ आइडिया इस पे लग जाएगा। यूनाइटेड नेशन ने वैश्विक मुद्दों पर 1972 में स्टॉकहोम में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसे यूनाइटेड नेशन का एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस कहा गया, और ये कॉन्फ्रेंस हमारे पृथ्वी पर मौजूद खतरों यानी विश्व के अधिकतर एरिया पर जो खतरे हैं, जो चाहे इन्वायरमेंटल खतरे हों या मानव द्वारा, प्राकृतिक द्वारा या फिर क्लाइमेट चेंज हो, इस पर जो है विश्व जनमत को सतर्क करने के लिए, सरकारों को इस पर ध्यान देने के लिए स्टॉकहोम में 1972 में एक कॉन्फ्रेंस होता है। उसके बाद क्या होता है, प्रथम बार जो है यूनाइटेड नेशन का विश्व महिला सम्मेलन होता है मैक्सिको सिटी में 1985 में, जिसमें महिलाओं के अधिकार की बात की जाती है, समानता की बात की जाती है, महिलाओं के प्रगति की जैसे मुद्दों को ग्लोबल लेवल पर एजेंडे के रूप में रखा जाता है, मैक्सिको में सम्मेलन हुआ, यह आपको ध्यान रखना है। अब बात करें अन्य ऐतिहासिक आयोजनों में, तो पहली बार अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मेलन हुआ तेहरान में 1968 में, और पहली बार क्या हुआ, विश्व जनसंख्या सम्मेलन हुआ बुखारेस्ट में 1974 में, पहली बार क्या हुआ, विश्व जलवायु सम्मेलन हुआ जिनेवा में 1979 में। अब इन सब आयोजनों का यूनाइटेड नेशन ने जो किया उसका परिणाम क्या हुआ, संपूर्ण विश्व के विशेषज्ञ जो थे उसके नीति निर्धारक थे, साथ साथ कार्यकर्ताओं ने एक साथ मिलकर
तो विश्व को एक साथ कार्रवाई की करने की गति को दिया, यानी संपूर्ण विश्व एक साथ आए और इन सब मुद्दों पर कार्य करे। साथ ही नियमित कार्य को जारी रखा और इसको गति को बनाए रखने में मदद की। ये सब जो कॉन्फ्रेंस हुई। मानवाधिकार की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की और उसको अपनाया। इसने राजनीतिक, नागरिक और आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारों के दर्जनों भर जो कानूनी रूप थे उसके बाध्यकारी बना दिया और समझौता को लागू करने में सहायता की। संयुक्त राष्ट्र के जो मानवाधिकार निकाय हैं, यानी यातना, लापता होना, अवैध गिरफ्तारी, अन्य उल्लंघनों के मामले में विश्व पर ध्यान केंद्रित किया। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन ने लोकतंत्र को बढ़ावा देने में भी अपना योगदान दिया। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में भाग लेने के लिए कई देशों को यूनाइटेड नेशन प्रेरित किया। साथ ही विश्व भर में लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने में और उसको मजबूती प्रदान करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने अपना सहयोग दिया। एग्जाम्पल की बात करें, 1990 के दशक में यूनाइटेड नेशन ने कंबोडिया, एल सर्वाडोर, साउथ अफ्रीका की बात करें, मोजम्बिक की बात करें, तिमोर लेस्ते की बात करें, उसमें ऐतिहासिक चुनाव का आयोजन करवाने, उसको अवलोकन करने के लिए, उसका पर्यवेक्षक बनने के लिए अपना योगदान दिया। हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने अफगानिस्तान, बुरुंडी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इराक, नेपाल, सीरा लियोन, सूडान जैसे देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहाल करने के लिए अपना योगदान, अपना महत्वपूर्ण सहायता दे रहा है। इसके अलावा बात करें, दक्षिणी अफ्रीका में रंगभेद को समाप्त करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने क्या किया, तो सशस्त्र प्रतिबंध, यानी जो शस्त्र प्रतिबंध से लेकर विभिन्न प्रकार के उपायों को लागू करके रंगभेद व्यवस्था को क्या हुआ, पतन करने के लिए, यानी समाप्त करने के, संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख कारक था। 1994 में क्या हुआ, सभी दक्षिण अफ्रीकी लोगों को एक समान अधिकार या समान आधार पर भाग लेने की अनुमति दी गई। एक बहुजाति सरकार यानी मल्टीलेटरल गवर्नमेंट की स्थापना का नेतृत्व किया। महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभावों को उन्मूलन के लिए यूनाइटेड नेशन ने 1989 में एक संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन किया, 189 देशों द्वारा अनुमोदित किया गया, जिसने संपूर्ण विश्व के महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने की सहायता की। अब बात करेंगे इन्वायरमेंट, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। जैसे स्टॉकहोम में 1972 में कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो उसके बाद इन्वायरमेंट में और क्या योगदान दिया यूनाइटेड नेशन ने। जलवायु परिवर्तन पर एक वैश्विक समस्या है, यानी क्लाइमेट चेंज वैश्विक समस्या। हालांकि क्लाइमेट चेंज पहले भी हो चुका है। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आप जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ते हैं या आप जो है ग्लेशियल पीरियड पढ़ते हैं, तो ये भी क्लाइमेट चेंज में ही आता है कि पहले भी क्लाइमेट चेंज हो चुका है, पृथ्वी उथल पुथल हो चुकी है। हालांकि वर्तमान परिस्थिति में उसी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हुए इन्वायरमेंट पर यूनाइटेड नेशन ने जलवायु परिवर्तन पर एक वैश्विक समस्या माना और वैश्विक स्तर पर समाधान की मांग करता है, जिसके लिए IPCC यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज 2000 प्रमुख जलवायु परिवर्तन वैज्ञानिक को एक साथ लाता है। प्रत्येक 5 से 6 वर्षों में व्यापक वैज्ञानिक आकलन आता है, जिसके आधार पर ही क्या कहते हैं, जो आप देख रहे हैं कॉप सम्मेलन वो होता है, वो अपनी रिपोर्ट देता है, उसके बाद कॉप में बहस होती है। तो IPCC की स्थापना की बात करें, 1988 में यूनेप यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट कार्यक्रम और विश्व मौसम संगठन के सम्मिलित प्रयास के फलस्वरूप IPCC का स्थापना हुआ। इसके उद्देश्यों की बात करें तो मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन के जोखिमों के प्रति जो समझ होती है उसको पैदा करना, वो यानी अपनी रिपोर्ट में जो वैज्ञानिक है उसको शामिल किए हैं IPCC में, तो वो जो रिपोर्ट देते हैं तो आने वाले जोखिमों को कैसा होगा उसके बारे में बताते हैं, वैज्ञानिक और तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक विकास की जानकारी देते हैं। जलवायु परिवर्तन पर यूनाइटेड नेशन का फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस यानी UNFCCC संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों को जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारकों, उत्सर्जन को कम करने जैसे मुद्दों पर प्रेरित करता है, यानी देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को एडाप्टेशन यानी एडॉप्ट करना कि उसके उसकी जो जलवायु परिवर्तन की दर है उसको कम किया जा सके, और उसी सबको आधार प्रदान करता है। यानी UNFCCC 1992 एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है जो 1952 में रियो डी जनेरियो ब्राजील में आयोजित जो रियो समिट था उस पर हस्ताक्षर करके अपनाया गया था। अब अगर रियो समिट की बात करें,
सॉरी, अब रियो सीमेंट जो है, इसी रियो सीमेंट में यूएनएफसीसी को अपनाया गया था। इसके अलावा और भी चीजें उसमें अपनाई गई थी, तो उनकी बात हम लोग आगे आने वाले लेक्चर में करेंगे, जब इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो है हम लोग जब ये सीरीज करेंगे उसमें करेंगे। अभी आप ये जान लीजिए, नहीं तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन ने ग्लोबल एनवायरनमेंट फंड की सुविधा उपलब्ध कराई, जिसमें 10 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों को एक साथ लाती है, जो विकासशील देशों को परियोजना को वित्त पोषण करने के लिए यानी फाइनेंस करने के लिए प्रदान करती है। अब बात करेंगे इसके अलावा एनवायरनमेंट में क्या किया। एक सेकंड, ओजोन परत के संरक्षण के लिए यूनेप यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने पृथ्वी की ओजोन परत पर हुए नुकसान पर प्रकाश डालने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन हुआ। ये सब चीज आपको पीटी के लिए ध्यान रखना है। इसमें कुछ फैक्चुअल चीजें हैं। वियना कन्वेंशन किसे संबंधित है? ओजोन परत के डिफ्लेशन के लिए यानी ओजोन परत के संरक्षण के लिए। कब हुआ? 1985 के। अब वियना, जैसे ओजोन परत, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन में अंतरराष्ट्रीय कटौती के लिए नियम बनाना, उसके लिए आवश्यक रूपरेखा प्रदान करना, और वियना कन्वेंशन 1985 के बाद जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया तो उसको आधार प्रदान किया गया। यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कैसे संबंधित है? ओजोन परत के डिफ्लेशन के लिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण समझौता है, जो पृथ्वी पर ओजोन परत के संरक्षण के लिए, जैसे जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC है, एवं हैलोन जैसे ओजोन डिप्लीशन यानी ओजोन डिप्लेटेड जो सब्सटेंस है, उनके उपयोग को बंद करने के लिए बात की गई। अब इसके अलावा पैरेलल अगर आप बात करें, एक जानकारी और लोग आप देख लीजिएगा, यानी ओजोन के क्षरण में कौन कौन सी गैसें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, तो आप इनको देख लीजिए। ओजोन गैसें कौन कौन सी हैं ये आप देख लीजिएगा। किगाली संशोधन हुआ यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में 2016 में आया, संपूर्ण विश्व में एक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन और खपत को कम करने के लिए अपनाया गया। किगाली समझौता भी इसी संबंधित है। अब बात करेंगे हानिकारक रसायनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए यूनाइटेड नेशन ने अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक पर, यानी जो इन्वायरमेंट में हमेशा के लिए रहते हैं, वो टूट कर कहीं किसी में मिलते नहीं, वो हमेशा बने रहते हैं, उस पर स्टॉकहोम में कन्वेंशन हुआ 2001 में, जो कि अब तक बनाए गए कुछ सबसे महत्वपूर्ण सबसे खतरनाक रसायनों से विश्व को छुटकारा प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। तो कुछ कन्वेंशन आपको ध्यान रखना है। वियना कन्वेंशन हुआ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, और किगाली संशोधन हुआ। इसके बाद अगर पूछा जाए तो स्टॉकहोम कन्वेंशन, वो हानिकारक रसायनों पर प्रतिबंध के लिए अपनाया गया 2001 में। इसके बाद बात करें अंतरराष्ट्रीय कानूनों की बात करें, तो यूनाइटेड नेशन ने युद्ध अपराधियों पर मुकदमा चलाना, जैसे अगर बात करें तो पूर्व में युगोस्लाविया और रवांडा के लिए स्थापित किया गया था ये अंतर्राष्ट्रीय कानून यानी संयुक्त राष्ट्र न्यायाधिकरण, बाद में इसको विस्तार कर दिया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक जो न्यायालय है, एक स्वतंत्र अस्थायी न्यायालय है जो गंभीर और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों जैसे नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराधों के, युद्ध अपराधों को आरोपित करने वाले व्यक्तियों की जांच करता है, उन पर क्या करता है? मुकदमा भी चलाता है। अगर राष्ट्रीय प्राधिकरण ऐसा करने का अनिच्छुक है अथवा असमर्थ है, यानी जिस देश में ये सब गतिविधियां हुई अगर वो अपनी इच्छा जाहिर नहीं करता, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आपराधिक न्यायालय ऐसा करता है, वो स्वतंत्र अस्थायी न्यायालय है। जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय विवादों को हल करने में सहायक की बात करें, तो निर्णय एवं सलाह प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्षेत्रीय विवादों और समुद्री सीमा और राजनैतिक संबंधित विवादों के लिए राजनयिक और राज्य के उत्तरदायित्व सैन्य उपयोग से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटान करने में मदद की है। इसके अलावा बात करेंगे हम विश्व के महासागरों में स्थिरता और व्यवस्था बनाए के लिए यूनाइटेड नेशन ने क्या योगदान दिया। तो समुद्री कानून को लागू किया, जिसे संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 1982 के रूप में जाना जाता है, जिसने लगभग सार्वभौमिक स्वीकृति प्राप्त है, जिसे महासागरों एवं समुद्र के सभी गतिविधियों के लिए कानून ढांचा प्रदान करता है, संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 1982। इसमें विवाद निपटान के लिए तंत्र भी शामिल है। अगर कोई विवाद होता है तो उसके लिए भी एक तंत्र शामिल है यूनाइटेड नेशन का। अब बात करें अंतरराष्ट्रीय जो अपराध हो रहे हैं उससे निपटने के लिए, तो जैसे मादक पदार्थों से संबंधित जो अपराध हो रहे हैं उसके लिए क्या है, यूनाइटेड नेशन का मादक पदार्थ और अपराध कार्यालय है।
जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपराधों से निपटने के लिए जैसे भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, मादक पदार्थों की तस्करी, प्रवासियों की तस्करी, तो इन सब में तकनीकी सहायता प्रदान करता है, तो देशों एवं संगठनों के साथ काम करता है, आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत बनाता है, और इनसे संबंधित जो भी संधियां हुई हैं उसमें मध्यस्थता करने और उसे कार्यान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे अगर भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 2005 है, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 2003 है, और इसके अलावा यह दवा नियंत्रण पर संयुक्त राष्ट्र के तीन प्रमुख कन्वेंशन है, जैसे अवैध दवाओं की आपूर्ति एवं मांग को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने नारकोटिक ड्रग्स एंड एकल कन्वेंशन 1962 1972 में संशोधित किया गया, साइकोट्रॉपिक पदार्थ पर कन्वेंशन 1971 तथा नारकोटिक्स ड्रग साइकोट्रॉपिक पदार्थ पर अवैध व्यापार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 1988 रचना। इसके बाद बात करेंगे रचनात्मकता और नवाचार को, यानी इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का जो बौद्धिक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है, यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO, बौद्धिक संपदा अधिकारों को संरक्षण को बढ़ावा देता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी देशों का एक प्रभावी बौद्धिक संपदा प्रणाली हो और जिससे देशों को लाभ प्राप्त हो, यानी विश्व को लाभ प्राप्त हो और देशों को भी लाभ प्राप्त हो। इसके अलावा मानवीय मामलों में, यानी ह्यूमेटेरियन एड के मामले में शरणार्थियों की सहायता करता है यूनाइटेड नेशन। जैसे उत्पीड़न, हिंसा, युद्ध के कारण अगर पलायन हुआ है तो शरणार्थियों की जो समस्या है उसे संयुक्त राष्ट्र जो है उच्चायुक्त शरणार्थी के लिए एक कार्यालय है UNHCR सहायता प्रदान की गई। यदि परिस्थितियां अनुकूल रहती हैं तो UNHCR शरणार्थियों को उनके वास्तविक देशों को प्रत्यावर्तित यानी लौटा देने में मदद करता है, यानी वहां पहुंचाने में मदद करता है। उनको शरण देने के लिए देश में अथवा अन्य देशों में निर्वासित करने का दीर्घकालिक या अस्थायी समाधान हेतु प्रयासरत है। शरणार्थियों को शरण चाहने वालों को, आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों को, या महिलाओं बच्चों की बात करें तो उनको भोजन, उनको आश्रय देना, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना, शिक्षा देना, उनको अपने देश में वापस पहुंचाने में सहायता प्रदान करता है। जैसे अगर फिलिस्तीनी शरणार्थियों की बात करें तो उनके लिए एक अलग संस्था ही बनाई गई, यूएन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी, जो एक राहत और मानवीय एजेंसी है जो शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक सेवाओं, माइक्रो फाइनेंस यानी उनको फाइनेंस वित्त उपलब्ध करवाना, आपातकालीन सहायता देना के साथ 4 पीढ़ियों से क्या कर रहा है, फिलिस्तीनी शरणार्थियों को ये सहायता दे रहा है यूएन रिलीफ वर्क्स एजेंसी यानी WNRWA। तो ये संस्था बनाई गई यूनाइटेड नेशन के द्वारा। प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव कम करने के लिए जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है उन्होंने लाखों लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से, मानव निर्मित आपदाओं से प्रभाव से निपटने में सहायता की है। इन्होंने प्रारंभिक चेतना प्रणाली यानी प्री जो चेतना यानी चेतावनी है उसको जो है हजारों सतह से मॉनिटर करके उससे, जैसे सैटेलाइट भी शामिल है, उन्होंने देशों को उपलब्ध करवाई है। इससे लोगों को लाखों प्राकृतिक आपदा से बचने में सहायता मिली है। इसने मौसम संबंधी आपदाओं की अधिक सटीकता के साथ भविष्यवाणी की है। तेल फैलने और रासायनिक और परमाणु रिसाव के बारे में जानकारियां प्रदान की है तथा दीर्घकालिक सूखे को भविष्यवाणी भी की है यूनाइटेड नेशन की संस्थाओं ने, यानी यूनाइटेड नेशन की कौन संस्था, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। जरूरतमंदों को भोजन प्रदान करना विश्व खाद्य कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। भुखमरी से लड़ने में सहायता प्रदान करता है, आपात स्थितियों में खाद्य सहायता प्रदान करता है, पोषण में सुधार लाने के लिए समुदायों के साथ कार्य करता है, जैसा अभी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, फिलिस्तीन के साथ ऐसा हो रहा है। स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो प्रजनन एवं मातृ स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है यूनाइटेड नेशन का कौन सा संस्था, जो यूनाइटेड जनसंख्या कोष है। वह स्वैच्छिक परिवार नियोजन पर बल देता है, यानी जबरदस्ती नहीं कि तुम बच्चा मत पैदा करो, स्वैच्छिक परिवार नियोजन पर बल देता है। अपने बच्चों की संख्या और उनके मध्य को अंतर पर निर्णय लेने के लिए वो भी स्वैच्छिक है। वो व्यक्तियों के अधिकारों को बढ़ावा देता है कि तुम्हें एक से दो बच्चे में कितना अंतर रखना है, वो भी उसका समर्थन करता है। एचआईवी एड्स पर प्रतिक्रिया की बात करें तो एचआईवी एड्स पर संयुक्त राष्ट्र का कार्यक्रम है यूएन एड्स, जो महामारी के खिलाफ एक वैश्विक कार्रवाई का समन्वय करता है, लगभग 35 मिलियन लोगों को प्रभावित करती है। पोलियो को समाप्त करने के लिए वैश्विक पोलियो उन्मूलन की पहल की गई, जिसका परिणाम स्वरूप जो क्या हुआ, पोलियोमाइलिटिस
को 3 देशों जैसे अफगानिस्तान, नाइजीरिया, पाकिस्तान से समाप्त कर दिया गया। आपको ये ध्यान रखना, पोलियो मालिटाइस, पोलियो वैश्विक पोलियो उन्मूलन के पहल के स्वरूप, चेचक उन्मूलन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 13 वर्ष के प्रयास के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, चेचक को 1980 के दशक में आधिकारिक रूप से संपूर्ण विश्व समाप्त कर दिया। हालांकि कुछ जगह है, अब जो उन्होंने बात की पोलियो मालिटाइस की, तो किस इस तरह अफ्रीका में आपको देखने को ज्यादा मिलेगा, कुछ इस तरह बच्चे हैं जो पोलियो का शिकार हैं। और वर्ल्ड पोलियो डे के रूप में 24 अक्टूबर को विश्व में वर्ल्ड पोलियो के डे के रूप में मनाया जाता है, जो यूनाइटेड नेशन ने। अगर ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय यानी गर्म देशों में रोगों को निपटने की बात करें, यूनाइटेड नेशन ने क्या किया है, तो WHO यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत कार्यक्रम चलाया है, जो ऑन्कोरियोसिस नियंत्रण अफ्रीकी कार्यक्रम ने 10 पश्चिमी अफ्रीकी देशों में रिवर ब्लाइंडनेस, यानी ऑन्कोरियोसिस को क्या कहते हैं रिवर ब्लाइंडनेस, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे, के स्तर को कम कर दिया है। वहीं कृषि के लिए 25 मिलियन से अधिक हेक्टेयर उपजाऊ भूमि को प्रदान किया है। गिनिया कृमि रोग उन्मूलन को कगार पर है। सिमोस्टोमाइसिस और नीद की बीमारी को अब नियंत्रण में है, महामारी को फैलाव को रोकना। ये सब उष्णकटिबंधीय रोग हैं, इसको भी ध्यान रखना, कभी कभी अलग से पूछ लेता है कौन कौन से रोग फैलते हैं। अन्य प्रमुख बीमारियों जिनके लिए WHO ने वैश्विक प्रतिक्रिया दी है, जिसमें इबोला है, मेनिंजाइटिस है, पित्त ज्वर, हैजा, इन्फ्लुएंजा है, एवियन इन्फ्लुएंजा सहित अन्य बीमारियों भी शामिल है। तो ये है रिवर ब्लाइंडनेस और ये है गिनिया क्रिम लोग, ऐसे ही लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। और यहाँ भी ऐसे भारत में भी कई बच्चों को मैं देख रहा हूँ ये, लेकिन अक्सर जो है ट्रॉपिकल में देखने को मिलता है और आपको मिल जाएगा अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट में ज्यादा देखने को मिलता है। अब बात करें संयुक्त राष्ट्र और भारत, यानी संयुक्त राष्ट्र और भारत के संबंध कैसे रहे हैं, भारत के संबंध में संयुक्त राष्ट्र ने क्या दिया है, भारत संयुक्त राष्ट्र से कब जुड़ा। तो भारत को संयुक्त राष्ट्र का योगदान, भारत में काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां, कार्यालय, कार्यक्रम, कोष विश्व में कहीं भी सबसे बड़े स्तर पर संयुक्त राष्ट्र क्षेत्र का नेटवर्क भारत में ही है। अगर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के मामले में बात करें एशिया और भारत प्रशांत केंद्र की, तो एक एक सेकंड, एक संस्था का स्थापना किया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए एशियाई प्रशांत केंद्र, APCTT, 1977 में दिल्ली में स्थापित किया गया। यह एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक सामाजिक आयोग यानी UNESCAP संपूर्ण एशिया प्रशांत क्षेत्र की भौगोलिकता पर फोकस करता एक क्षेत्रीय संगठन है। केंद्र ने गतिविधियों के 3 विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया, सूचना प्रौद्योगिकी पर, तकनीकी हस्तांतरण पर, इनोवेशन प्रबंधन पर। तो ये इसके अंतर्गत भारत में योगदान करता है। अब बात करेंगे खाद्य एवं कृषि संगठन। 1948 में जब FAO ने भारत में अपना परिचालन शुरू किया था, तो इसकी प्राथमिकता तकनीकी आदानों, नीतिगत विकास द्वारा समर्थनों के माध्यम से भारत में खाद्य और कृषि को परिवर्तित करना। इन वर्षों में क्या FAO ने भोजन, पोषण, आजीविका तक पहुंच, ग्रामीण विकास, धारणी विकास जैसे मुद्दों पर अपना योगदान दिया है। सतत विकास लक्ष्यों यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ भारत ने में FAO का अधिकांश ध्यान सस्टेनेबल जो कृषि है उसके कार्य को बढ़ावा देना है। अगर बात करेंगे IFAD की, और भारत सरकार ने स्मॉल होल्डिंग एग्रीकल्चर व्यावसायिक और निवेश द्वारा बाजार के अवसरों को आय में बढ़ाने के लिए, छोटे किसानों की क्षमता को बढ़ाने के लिए, निर्माण करने के लिए परिणाम प्राप्त हुआ है। IFAD समर्थित परियोजनाओं की बात करें, महिलाओं से संबंधित बात करें, महिलाओं को वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए, महिलाओं जिस स्वयं सहायता से जोड़ने के लिए, वाणिज्यिक बैंकों को जोड़ना। इसके अलावा अगर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भारत में क्या किया है, तो भारत में पहला ILO कार्यालय 1928 में शुरू हुआ। भारत द्वारा 43 ILO कन्वेंशन और एक प्रोटोकॉल की पुष्टि की गई है। कहने का मतलब यूनाइटेड नेशन के अलग अलग संस्था ने भारत में क्या क्या कार्य किया है इसके बारे में देख रहे हैं। प्रवासन हेतु तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी IOM, प्रवासन हेतु तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात करें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने उन भारतीय नागरिकों की सहायता की है जो फारस के खाड़ी युद्ध 1990 में विस्थापित होकर, विस्थापित 1000 लोगों में से एक थे।
जब वो खाड़ी संकट था। 2001 में गुजरात के भूकंप आया, उस दौरान भी अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है प्रवासन में मानवीय एजेंसियों के रूप में भारत में संचालन की नींव रखी। 2007 में भारत को श्रमिकों का आदान प्रदान तथा श्रमिकों द्वारा जो धन का हस्तांतरण किया जाता है बाहर से देशों के रूप में पहचान कर IOM ने प्रवासियों के साथ एक सुरक्षित कानूनी प्रवासन का कार्य शुरू किया। अनियमित प्रवासन से संबंधित जोखिमों के बारे में चेतावनी दी। अगर UNSCO की बात करें तो उन्होंने एक कार्यक्रम लॉन्च किया जो महात्मा गांधी शांत एवं सतत विकास लक्ष्य हेतु शिक्षण संस्थान था, जिसे महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन फॉर पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में जाना जाता है। यह यूनेस्को का एक अभिन्न अंग है जिसे 2012 में नई दिल्ली में भारत सरकार के सहयोग से स्थापित किया गया। संस्थान जो है वैश्विक अधिदेश यानी नवीन शिक्षण अधिगम के तरीकों यानी सीखने के तरीकों को विकसित करने के लिए शिक्षा नीतियों में और परिवर्तित करना उन पर कार्य करना उस पर काम करता है। जो सतत विकास लक्ष्य के 17 लक्ष्य है ये उसमें सतत विकास SDG 4.7 के लिए कार्य करता है, जिसका उद्देश्य संपूर्ण विश्व में शांतिपूर्ण और टिकाऊ समाज का निर्माण करना और उसके साथ शिक्षा को बढ़ावा देना। 2016-17 में यूनेस्को ने एशिया एंड पैसिफिक रीजनल ब्यूरो ऑफ फॉर एजुकेशन के साथ यूनेस्को मीगेप द्वारा शिक्षा हेतु एक परियोजना रीथिंकिंग स्कूली की शुरुआत की। तो ये सब भी आपको ध्यान देना है इसको एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। 2016-17 में यूनेस्को के द्वारा क्या शुरू किया गया, एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए रीथिंकिंग स्कूलिंग। इसके अलावा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4.7 की पहली समीक्षा रिपोर्ट जो है 21वीं सदी के लिए रीथिंकिंग स्कूलिंग जारी की गई थी यूनेस्को के द्वारा। अब बात करेंगे लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु जो यूएन वुमेन है यूनाइटेड नेशन का, उसने भारत में क्या दिया। भारत में ह्यूमन वोमेन ने 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्र को चुना है, जिसमें महिला और बालिकाओं के विरुद्ध हिंसा को समाप्त करना, महिलाओं के नेतृत्व में भागीदारी को विस्तार करना, लैंगिक समानता और राष्ट्रीय विकास योजना और बजट के केंद्र में रखना, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, वैश्विक शांति जो संस्थापक उनके वार्ताकारों के रूप में महिलाओं को शामिल करना यानी महिलाओं को विश्व में अग्रणी भूमिका पर लाना। यूएन वुमेन जो है राजनीतिक और निर्णय लेने की शक्ति में महिलाओं के अधिक भागीदारी बनाने हो तो उसकी हिमायत करता है। जो नीति निर्माण है और नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी का भी समर्थन करता है, बजट में महिलाओं की आवश्यकता पर ध्यान देने के लिए भी उसका भी समर्थन करता है। अब बात करेंगे HIV/AIDS पर जो है UNAIDS है उसने भारत में क्या किया। नए मिशन HIV संक्रमणों को रोकने के लिए उसने जो है नया मिशन लॉन्च किया, HIV पीड़ितों की सहायता की, महामारी से प्रभाव को कम करने में सहायता की। UNDP की बात करें उसने भारत में क्या किया, तो 1950 से 1960 के दशक में UNDP ने अंतरिक्ष केंद्रों, नाभिकीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं सहित प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना में सहायता की। पिछले एक दशक में UNDP ने प्राकृतिक आपदाओं, जलवायु परिवर्तन, जोखिम, अल्पसंख्यक द्वारा विभिन्न प्रकार के भेदभावों का सामना करने के लिए क्षमता निर्माण के लिए ध्यान केंद्रित किया भारत में। अब बात करेंगे एशिया एवं प्रशांत हेतु संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक आयोग यानी ESCAP दिसंबर 2011 में उपक्षेत्र में 10 देशों को सेवाएं प्रदान करने हेतु नई दिल्ली में ESCAP ने एक नए दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी कार्यालय की स्थापना की। क्योंकि यह विकास की सीढ़ी है तथा भारत जो इस उद्देश्य के लिए जो ये प्लेटफॉर्म है उसका उपयोग करते हुए अपने अनुभव और क्षमताओं को इस क्षेत्र के अतिरिक्त कई अन्य क्षेत्र में अपना अनुभव साझा किए। यूनेस्को की बात करें उसने भारत में क्या योगदान दिया, उसने कई प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों को तकनीकी सहायता दी, भारत में 27 सांस्कृतिक विरासत स्थल को मान्यता दी जैसे ताजमहल, मध्य प्रदेश में भीमबेटका रॉक शेल्टर, भारत में सामुदायिक रेडियो के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। 2002 की बात करें उसमें सामुदायिक रेडियो की नीति तैयार करने में भी यूनेस्को ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब बात करेंगे जो यूनाइटेड नेशन का जनसंख्या कोष है उसने भारत में क्या योगदान दिया, उसने मध्य आय की स्थिति देखते हुए अपने नीति के विकास में अधिक बल दिया। वृद्धि जो है होती जो आबादी बढ़ रही है और जनसंख्या में बदलाव हो रहा है,
और इस बढ़ती आबादी और जनसंख्या के बदलाव के कारण फलस्वरूप अवसरों का लाभ उठाने की आवश्यकता के बारे में यूनाइटेड नेशन का जनसंख्या कोष जागरूकता बढ़ाता है, पॉपुलेशन एजिंग को चुनौतियों को संबोधित करता है कि कैसे हम उनसे लड़ सकते हैं। यूएन हैबिटेट की बात करें, यूनाइटेड नेशन की जो यूएन हैबिटेट संस्था है उसने भारत के संदर्भ में सभी के लिए पर्याप्त आश्रय यानी रहने की सुविधा, उसको लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ साथ सामाजिक और पर्यावरण रूप से धाड़ी जो यानी सस्टेनेबल कस्बों और शहरों को विकास को बढ़ावा देता है। भारत में यूएन हैबिटेट की पहल में शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज पर सरकारी परियोजना समर्थन, शहरी जल आपूर्ति, पर्यावरण एवं सुधार, सामाजिक अपवर्जन यानी भेदभाव के संघर्ष के लिए महिलाओं के समूह एवं युवा समूह को सशक्त बनाने वाली एक सहायक संस्थाओं के रूप में समर्थन करता है यूएन हैबिटेट। अब बात करें यूएन हैबिटेट के विश्व शहर रिपोर्ट 2016 की बात करें, 2011 की जनगणना के अनुसार 377 मिलियन भारतीय जो कुल जनसंख्या का 13.1% है शहरी क्षेत्रों में रहते हैं अकॉर्डिंग टू 2011। यूएन हैबिटेट ने न्यू अर्बन एजेंडा 2017 सतत विकास लक्ष्यों के लक्ष्य 11 को संबोधित करता है, शहरों तथा मानव अधिवासों को समावेशी सुरक्षित क्षमतावान एवं धाड़ी बनाने पर बल देता है। भारत ने अटल शहरी परिवर्तन एवं जीर्णोद्धार मिशन यानी अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत योजना और स्मार्ट सिटी हृदय योजना जैसे मिशन के फलस्वरूप क्या क्या यूएन हैबिटेट यूएन के लक्ष्यों को प्रति प्रमुख रूप से संबद्ध स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च की। अब बात करेंगे कि यूनिसेफ ने क्या किया है भारत के संदर्भ में, तो 1954 में क्या किया यूनिसेफ ने, भारत सरकार के साथ आरे और आनंद दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्रों को वित्त पोषित किया यानी फाइनेंस किया, जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त और रियायती दरों पर दूध उपलब्ध हो सके उसके लिए यूनिसेफ ने 1954 में भारत साथ एग्रीमेंट किया। एक दशक के भीतर भारत यूनिसेफ द्वारा सहायता प्राप्त 13 दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किए गए। आज भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया है, यानी यूनिसेफ का बहुत बड़ा योगदान है भारत को दुग्ध उत्पादक देश बनाने में। पोलियो अभियान की बात करें, 2012 में सरकार ने यूनिसेफ के साथ और WHO के साथ, इसके अलावा बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, रोटरी इंटरनेशनल रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों की साझेदारी के साथ 5 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों को पोलियो का टीकाकरण लगाने के संबंध में सार्वभौमिक जागरूकता अभियान फैलाने में जो है अपना योगदान दिया। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है 2014 में भारत पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया। या मातृ एवं शिशु पोषण पर राष्ट्रव्यापी अभियानों के तहत नवजात जो शिशु एवं मृत्यु दर कमी लाने के लिए 2030 तक नवजात जो मृत्यु दर है उसकी इकाई के अंग तक कम करने हेतु प्रयासरत है यूनिसेफ। अब बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र का औद्योगिक विकास संगठन यानी सस्टेनेबल जो सिटी है उनको एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करना, उसके लिए 2017 में कार्यक्रम चलाया गया और वो कार्यक्रम ग्लोबल एनवायरनमेंट फंड द्वारा वित्त पोषित किया गया। इसके साथ वर्ल्ड बैंक ने भी और यूनाइटेड नेशन के औद्योगिक विकास संस्था द्वारा ये सम्मिलित प्रयास किया गया जिसके फलस्वरूप जो है ये कार्यक्रम चलाया गया। विश्व खाद्य कार्यक्रम की बात करें तो भारत में सार्वजनिक खाद्य वितरण प्रणाली की दक्षता, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता में सुधार के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम सहयोग कर रहा है जिसके तहत संपूर्ण देश में लगभग 800 मिलियन गरीब परिवारों को गेहूं चावल चीनी जैसे कैरोसिन जैसे चीजों की आपूर्ति की जाती है, हालांकि कैरोसिन अब बंद कर दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो भारत 12 जनवरी 1948 को WHO का पक्षकार बना। WHO कंट्री ऑफिस फॉर इंडिया का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। इसने देश में अस्पताल आधारित सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं में परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य कर्मियों और प्राथमिक देखभाल पर केंद्रित करने हेतु वृद्धि की गई है। इसके अलावा बात करें तो यूनाइटेड नेशन के WHO संस्था ने देश को सहयोग रणनीति यानी भारत 2012-17 को संयुक्त राष्ट्र के स्वास्थ्य एवं परिवार संयुक्त राष्ट्र संयुक्त रूप से भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा
WHO की कंट्री ऑफिस फॉर इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। अब बात करते हैं शरणार्थियों के लिए जो संस्था है UNHCR, वो भारत के संबंध में क्या कार्य किया है। भारत सदियों से लोगों को शरण देता आ रहा है। भारत 1969-75 में UNHCR ने समर्थन रहा है जो तिब्बती शरणार्थियों के साथ साथ तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को शरणार्थ मतलब अपनी शरण में लिया है भारत ने। शहरी परिचालन हेतु जो है नई दिल्ली में इसका कार्यालय है UNHCR का। यह लघु स्तर पर क्या है चेन्नई में भी कार्य करता है। तमिलनाडु में श्रीलंका शरणार्थियों को स्वेच्छा श्रीलंका वापस लौटाने में सहायता प्रदान करता है। शरणार्थियों के लिए एक राष्ट्रीय कानूनी ढांचे की अनुपस्थित में UNHCR ने कार्यालय में आने वाले इच्छुक जो शरणार्थी हैं उसे अधिशेष के तहत शरणार्थियों की स्थिति का निर्धारण करता है। दो सबसे बड़े शरणार्थी समूह अफगानिस्तान म्यांमार के नागरिक हैं, लेकिन सोमालिया और इराक जैसे देशों के लोगों ने भी कार्यालय से सहायता मांगी है यानी UNHCR से। अब बात करेंगे भारत एवं पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र एवं सैन्य पर्यवेक्षक समूह। 1947 की बात है जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा भारत का विभाजन की योजना बनाई गई जिसके तहत कश्मीर भारत अथवा पाकिस्तान से स्वतंत्र था। भारत में इसका विलय दोनों देशों के मध्य विवाद का एक विषय बन गया। उस वर्ष के अंत तक दोनों देशों के मध्य युद्ध शुरू हो गया। जनवरी 1948 में यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में विवाद की जांच करने हेतु एक मध्यस्थ टीम बनाई गई जो भारत और पाकिस्तान हेतु संयुक्त राष्ट्र आयोग की स्थापना करते हुए 39 को अपनाया गया। निहत्थे सैन्य पर्यवेक्षकों की पहली टीम जो है जिससे अंततः भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह के रूप में जाना जाता है उसकी नींव रखी गई। जनवरी 1949 में मिशन क्षेत्र के निरीक्षण करने के लिए जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध विराम के पर्यवेक्षण हेतु सैन्य सलाहकार की सहायता हेतु ये टीम पहुंची। मिडलिस्ट जो टीम थी 1971 में क्या हुआ भारत और पाकिस्तान के मध्य पुनः युद्ध की स्थितियां बन गई। पुनः ये संस्था आई पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर कार्य करना शुरू कर दी। यह स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित था उस क्षेत्र में विकसित हुआ था जिसके परिणाम स्वरूप अंततः बांग्लादेश का निर्माण हुआ। फिर ये संस्था जो थे जो बनाई गई थी वो सुरक्षा परिषद के महासचिव की अंतिम रिपोर्ट 1972 में प्रकाशित की गई। 1972 के बाद भारत ने जम्मू कश्मीर राज्य से संबंध में पाकिस्तान के साथ अपने द्विपक्षीय मुद्दों पर तृतीय पक्ष को मान्यता न देने की नीति बनाई। यानी ये संस्था को मान्यता भारत ने दी ही नहीं, उसने बोला कि हमारे जम्मू कश्मीर से संबंधित जो भारत और पाकिस्तान से संबंधित जो विवाद चल रहा है तीसरा पक्ष यानी जो यूनाइटेड नेशन का ये वाला पक्ष है जो बनाया गया था उसको मान्यता देने से मना कर दिया भारत ने। पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों ने जो संस्था बनाई गई थी उस पर कथित संघर्ष विराम उल्लंघन की शिकायतें दर्ज कराई, अपना शिकायत दर्ज कराना जारी रखा कि हमारे साथ ये हो रहा है संघर्ष हो रहा है। भारत के सैन्य अधिकारी ने 1972 से कोई शिकायत दर्ज ही नहीं कराई उस संस्था पर यूनाइटेड नेशन की जो बनी थी मध्यस्थता संस्था। यह नियंत्रण रेखा भारतीय प्रशासित क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षकों की गतिविधियों को सीमित करता है। हालांकि जब ये यूनाइटेड नेशन का जो मध्यस्थता जो समिति बनी थी को आवश्यक सुरक्षा परिवहन अन्य सेवाएं प्रदान करना जारी रखा भारत ने, लेकिन मध्यस्थता के बारे में कोई बात नहीं की। अब बात करेंगे मादक पदार्थों और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की बात करें। 25 वर्षों में ड्रग तस्करी को दूर करने के लिए लगातार विकसित होते दवा बाजार के संदर्भ में काम किया है। यह मानव तस्करी से निपटने के लिए सरकार के साथ भी काम करता है और उसे रोकथाम उपचार देखभाल में ड्रग का उपयोग को भी ये रोकता है। HIV संक्रमित है उसको भी रोकता है। अब बात करेंगे व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की बात करेंगे। देश के निवेश और संवर्धन हेतु निकाय के लिए इन्वेस्ट इंडिया ने सतत विकास 2018 में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र द्वारा पुरस्कार भी प्राप्त किया है। वर्ष 2002 में यह पुरस्कार अंकटाड ने द्वारा निवेश प्रोत्साहन सुगमता के हिस्से के रूप में प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है वर्ष 2002 से, और 2018 में किसे मिला भारत। विकासशील देशों के लिए विश्व के लिए भारत में लगातार मजबूत आवाज ने
इस आर्थिक सुधारों की बहुलता वाले जो ये संस्था है उसको प्रमुख बना दिया है। अब भारत का संयुक्त राष्ट्र में योगदान की बात करें तो भारत को संयुक्त राष्ट्र में स्वतः प्रवेश मिल गया था। भारत का प्रतिनिधित्व राज्य सचिव एडविन सैमुअल मोंटेगो और बीकानेर के महाराजा सर गंगा सिंह, सत्येंद्र प्रसन्न सिबरत लीग ऑफ नेशन के मूल सदस्य में से एक थे, जो वर्साय की संधि 1919 में संधि में हस्ताक्षरकर्ता के रूप में शामिल हुए थे। भारत जो है 1944 में वाशिंगटन डीसी में संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले संयुक्त राष्ट्र जो सदस्य थे उनके मूल सदस्यों में से एक था। यह घोषणा जो हुई थी संयुक्त राष्ट्र का चार्टर उसी का आधार बनी थी। वर्ष 1945 की बात करें 50 देशों द्वारा यह हस्ताक्षर कर संयुक्त राष्ट्र चार्टर में औपचारिक रूप से अपना लिया गया था। 1946 तक भारत ने उपनिवेशवाद, रंग भेद, राजनीति भेदभाव संबंधित मुद्दों को उठाना शुरू किया संयुक्त राष्ट्र। भारत दक्षिणी अफ्रीका में रंग भेद और नस्ली भेदभाव तथा भारत दक्षिण अफ्रीका संघ में भारतीयों के साथ भेदभाव जो हो रहा था उसे सबसे मुखर रूप से आलोचकों में से एक था, जो यूनाइटेड नेशन में इस मुद्दे को उठाता था 1946 में। भारत ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 को 1948 में सक्रिय रूप से भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र के साथ भारत का अनुभव हमेशा सकारात्मक नहीं रहा। कश्मीर के मुद्दे को लेकर तो उस पर बात करें तो नेहरू का संयुक्त राष्ट्र का में विश्वास एवं संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों का पालन करना बहुत महंगा साबित हुआ। तो हमेशा सकारात्मक कश्मीर मुद्दे पर जो है हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यूनाइटेड नेशन की जो सिद्धांत उस पर विश्वास किया जो आज हम लोग भुगत रहे हैं। तत्कालीन पाकिस्तान समर्थक पक्षपातपूर्ण शक्तियों का भी भरपूर था वो निर्णय। विजय लक्ष्मी पंडित की बात करें तो विजय लक्ष्मी पंडित जो है 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के पहली महिला अध्यक्ष चुना गया। ये आपको फैक्ट ध्यान रखना, कभी कोई पूछ लेता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की बात करें, नॉन अलाइंड मूवमेंट की बात करें तो G77 जो संस्थापक सदस्य के रूप में भारत की स्थित संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर विकासशील देशों के मुद्दों और उनकी आकांक्षाओं के प्रमुख अधिवक्ता के रूप में जानी जाती थी। चीन के साथ युद्ध हुआ 1962 में, पाकिस्तान 1965-1971 में दो युद्ध हुआ जिसके कारण राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक विकास में कमी, खाद्य संकट और अकाल की स्थितियां उत्पन्न हो गई। इसी वजह से संयुक्त राष्ट्र में भारत की भूमिका में कमी आई। उसकी छवि और नेहरू के बाद राजनीतिक नेतृत्व द्वारा संयुक्त राष्ट्र में केवल महत्वपूर्ण भारतीयों के हितों पर बोलने के निर्णय से मिले जुले परिणाम का कारण हुआ। यानी उसकी छवि की बात की जाए यूनाइटेड नेशन की बात। भारत अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 7 कार्यकालों में कुछ 14 वर्षों तक सदस्य रहा। भारत का 8वां कार्यकाल 21-22 में था। G4 की बात कर रहे थे, जो हमने वीटो की बात की थी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 स्थायी सदस्य हैं और जो दावेदारी पेश कर रहे हैं वर्तमान में शामिल होने के लिए, उसे G4 कहता है। भारत G4 में शामिल है, यानी ब्राजील, भारत, जर्मनी, जापान। यह एक राष्ट्रों का समूह है जो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट यानी परमानेंट सीट के लिए एक दूसरे का समर्थन करता है। संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा जो संयुक्त राष्ट्र परिषद है उसमें जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें जो है सुधारों की वकालत करता है। रूसी संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, भारत और अन्य G4 की अस्थायी सीट का समर्थन करता है। अब इसमें कौन नहीं शामिल है? इसमें रूस, सॉरी, चाइना समर्थन नहीं करता। G77 देशों की बात करें तो भारत G77 देशों का सदस्य है। ग्रुप 77 15 जून 1964 को सतत विकासशील देशों की संयुक्त घोषणा पर सतत विकास देशों के हस्ताक्षर के फलस्वरूप ये सामने आया विश्व के, और यह अपने सदस्यों के सामूहिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देने, संयुक्त राष्ट्र में एक संयुक्त समझौता क्षमता को बढ़ावा देने के लिए ये समूह बना 1964 में। इसके ऐतिहासिक महत्व के परिणाम स्वरूप 130 से अधिक देशों इसमें शामिल हो गए और G77 का नाम अब भी बरकरार है जबकि इसमें 130 देश शामिल है। अब बात करें संयुक्त राष्ट्र का शांति मिशन।
नागरिकों को रक्षा करने, देशों को संघर्ष की बजाय शांति की स्थापना में मदद करने कर भारत के शांति स्थापित करने में योगदान दिया है। वर्तमान में 2019 में 2019 की बात करें, भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में यानी यूनाइटेड नेशन की जो हमने बात की, जैसे लीग ऑफ नेशन की बात की थी, हमने बात की थी लीग ऑफ नेशन की, एक सेकंड, हमने बात की थी किसी जो पहले लीग ऑफ नेशन था उसमें क्या था, उसकी कोई अस्थाई सैनिक नहीं था, इसी कारण वो जो है फेल भी हुआ था। तो उसके बाद यूनाइटेड नेशन बना, यूनाइटेड नेशन बना 1945 में, उसमें जो है उसकी एक सेना रखी गई जिसमें 2019 में भारत का जो योगदान था उसके शांति मिशन में, तो उसमें कुल 6,693 सैनिक कर्मी की अपनी तैनाती की गई, जो लेबनान, कांगो, सूडान और साउथ सूडान, गोलान हाइट्स, आइवरी कोस्ट, हैती, लाइबेरिया के साथ यह तीसरा सबसे बड़ा विश्व का सैन्य योगदानकर्ता देश है। 1948 के बाद बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन में सैन्य सहायता भेजने वाले देशों में भारत ने सबसे अधिक सैन्य क्षति देखी है। लगभग 3800 सैनिक कर्मियों में से 164 की मृत्यु का सामना करना पड़ा है। महात्मा गांधी का संयुक्त राष्ट्र पर बहुत ज्यादा अस्थायी प्रभाव है। अहिंसा के अनेक आदर्शों ने अपनी स्थापना के समय संयुक्त राष्ट्र ने अपना उसको अपनाया, उससे काफी प्रभावित था। 2007 की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र ने 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया। 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की सिद्धांतों और मूल्यों के साथ इसी कार्यों के समग्र लाभ और इसकी अंतर्निहित को जो संगतता है उसको पहचानता है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय समानता दिवस के लिए दलील। 2016 में सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, असमानता को समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार B.R. अंबेडकर यानी बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मनाई। 14 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय समानता दिवस के रूप में घोषित किया गया, अंतर्राष्ट्रीय समानता को दिखाने के लिए बाबा साहब अंबेडकर के। अब बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र की चुनौतियों और सुधार की बात करेंगे, तो संयुक्त राष्ट्र प्रशासनिक और वित्तीय संसाधनों संबंधित चुनौतियां बनी हुई है। जैसे विकास सुधार की बात करें तो केंद्रीय और एक निष्पक्ष स्वतंत्र सशक्त संस्था का अभाव है, और एजेंडा 2030 की बात करें तो उसमें जो संयुक्त राष्ट्र के विकास प्रणाली है उसमें देशी दलों की नई पीढ़ियों को उद्भव के लिए स्थूल परिवर्तनों की आवश्यकता होगी। मैनेजमेंट की बात करें तो कई चुनौतियां हैं उस पर। वैश्विक स्तर पर प्रासंगिक बने रहने के लिए यूनाइटेड नेशन में कई सारे परिवर्तन की जरूरत है। ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है यानी पारदर्शिता की जरूरत है, जवाबदेही की जरूरत है, प्रक्रियाओं को सरल करना है अगर कोई देश उसमें शामिल होना चाहता है, दक्षता में सुधार करना है, तो ये सब उसके जो है चुनौतियां हैं। और वित्तीय संसाधन की बात, फाइनेंस की बात करें तो यूनाइटेड नेशन में सदस्य जो राज्य हैं या राष्ट्र हैं उसके योगदान को उनके भुगतान करने के सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। जैसे सदस्य राज्यों को अपने योगदान के बिना यानी जो योगदान वो कर रहे हैं बिना शर्त के समय और पूर्ण भुगतान करना चाहिए। यानी यूनाइटेड नेशन में इसका कहने का मतलब कोई ना तो समय पर भुगतान करना है ना कि कोई भुगतान करना चाह रहा है, अब कोई योगदान करने में शर्त जरूर लगा देता है। तो ये सब उसकी कमियां हैं जो संयुक्त राष्ट्र को कमजोर बनाते हैं। और वित्तीय सुधार विश्व निकाय के भविष्य की कुंजी है। पर्याप्त संसाधन होने के बिना संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियां भूमिका नकारात्मक ढंग से प्रभावित होगी। अगर शांति और सुरक्षा संबंधित बात करें तो शांति और सुरक्षा को खतरा, शांति और सुरक्षा के लिए संभावित खतरे जिनका सामना संयुक्त राष्ट्र को करना पड़ रहा है, जैसे गरीबी, भुखमरी, पर्यावरण संबंधी चिंताएं हैं, राष्ट्रों के मध्य संघर्ष है, जैसे रसिया और यूक्रेन की बात कर ले, अफगानिस्तान की बात कर लें, इराक की बात कर लें, यमन की बात कर लें, राष्ट्रों के भीतर हिंसा और बड़े पैमाने पर मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, संगठित अपराध की बात के कारण आतंकवाद खपरा, हथियारों का प्रसार, तो ये सब जो है शांति और सुरक्षा संबंधित जैसे मुद्दे हैं। आतंकवाद के मामले में बात करें तो ऐसे राष्ट्र जो आतंकवादी समूहों का समर्थन करते हैं जैसे पाकिस्तान, तो विशेष रूप से इन कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। चीन वीटो कर देगा, कोई बात उस पर बहस होगी तो वीटो पावर, इसीलिए लोग रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। नाभिकीय जो न्यूक्लियर पावर है उनके अपप्रसार पर जो है 1970 में
परमाणु प्रसार संधि हुई जिसमें 190 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए। अब इस संधि के बावजूद क्या हो रहा है? नॉर्थ कोरिया अपने हथियारों का प्रसार कर रहा है। पाकिस्तान की बात कर लें, रशिया की बात कर लें, तो नाभिकीय शस्त्र जो भंडार उच्च स्तर पर बने हुए हैं। कई राष्ट्रों ने इन विनाशकारी हथियारों पर विकसित करना जारी रखा है। अब प्रसार संधि की बात कर लें तो उसकी विफलता जो है संयुक्त राष्ट्र की प्राथमिकता अब अप्रभावित रही है, उल्लंघन करना रहा है। तो ये सब मुद्दे हैं। सुरक्षा परिषद में सुधार की बात हम लोगों ने कर ही ली, उसकी संरचना में सुधार करना। 1965 से क्या हुआ, सिक्योरिटी काउंसिल के जो सदस्य हैं वो जो अस्थायी से 11 से 15 तक बढ़ गई, लेकिन अस्थायी सदस्य 5 तक 5 ही रह गए। तो इसलिए अधिक प्रतिनिधित्व वाली एक विस्तारवादी जो है परिषद की पास अधिक राजनीतिक शक्तियां की बढ़ता होगी। इसलिए जो है सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार करना बहुत जरूरी है। G4 कंट्री यानी भारत, ब्राजील जैसे, जापान जैसे उभरते देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग करता है, उसमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि अब वो परिस्थितियां नहीं रह गई जब वो यूनाइटेड नेशन या सिक्योरिटी काउंसिल बनी थी, और अब वर्तमान परिस्थिति में चेंज आ चुका है। तो यूनाइटेड नेशन वीटो पावर में जो हमने बात कर ही ली है, 5 अस्थायी सदस्य हैं, तो कितना भी अंतरराष्ट्रीय समर्थन हो लेकिन परिषद को प्रस्ताव नहीं अपना सकती जब तक वो अगर एक भी लोग वीटो कर देंगे। अब इसके अलावा बात करें तो भविष्य में अगर वीटो पावर का प्रस्ताव है तो वीटो के उपयोग को महत्वपूर्ण सुरक्षा मुद्दों तक सीमित रखना। वीटो का उपयोग करने से पूर्व कई राज्यों के सहमति की आवश्यकता होती है। वीटो की पूरी तरह समाप्ति, ये सुधारों की बात कर रहे हैं हम लोग, वीटो पावर में कोई भी सुधार बहुत मुश्किल होगा। उसका कारण है संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है उसका अनुच्छेद 108 109 के तहत 5 अस्थायी सदस्यों को चार्टर में किसी भी संशोधन के लिए वीटो पावर प्रदान किया गया, जिसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर में किसी भी संशोधन को मंजूरी देने के लिए इनकी सहमत आवश्यकता है। यानी करें भी तो कैसे करें, इसमें भी वीटो है। गैर पारंपरिक चुनौतियों की बात करें, जैसे जलवायु परिवर्तन की बात करें, शरणार्थियों की समस्या बात करें, पॉपुलेशन एजिंग जैसी चुनौतियों पर बात करें, तो इन पर भी जो है काम करने की जरूरत है। जलवायु परिवर्तन की बात करें तो मौसम पैटर्न में परिवर्तन हो रहा है, खाद्य संकट आ रहा है, तो ये सब जो है समस्याएं बढ़ रही हैं। और यूनाइटेड नेशन के सामने जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या भी समस्या है। 15 वर्षों में विश्व की जनसंख्या 1 बिलियन से अधिक होने वाली है। अनुमान है 2030 में क्या होगा, 8 बिलियन यानी 8.5 बिलियन से 2050 में बढ़कर 9.7 बिलियन, और 2100 में, सॉरी 2100 में बढ़कर 11.2 बिलियन होने का अनुमान है। तो विश्व की जनसंख्या वृद्धि जो है बहुत ज्यादा बढ़ रही है। पॉपुलेशन एजिंग 21वीं सदी से सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तनों में से एक है। समाज के लगभग सभी क्षेत्रों में श्रम और वित्तीय बाजार, वस्तु और सेवाओं की मांग बढ़ने लगेगी। आवास की मांग, परिवहन की मांग, सामाजिक मांग, संरक्षण की मांग, ये सब पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ने लगेगा। जैसे क्योंकि पॉपुलेशन एजिंग जो है में भी बदलाव हो रहा है। शरणार्थियों की समस्या, एक आंकड़े के अनुसार विश्व में उच्चतम स्तर पर विस्थापन हो रहा है। 2016 के अंत तक संघर्ष और उत्पीड़न के कारण संपूर्ण विश्व में 65.6 मिलियन लोग जो है अपने मूल स्थान से विस्थापित हो गए हैं। लगभग 22.5 मिलियन शरणार्थी, आधे से अधिक 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के हैं, यानी इंसान हैं, लड़के लड़कियां सब हैं। 10 मिलियन व्यक्ति राष्ट्रविहीन है, यानी उनके पास कोई राष्ट्रीय नागरिकता है नहीं। ये सब मुद्दे हैं। अब निष्कर्ष की बात कर लेते हैं कि यूनाइटेड नेशन के बारे में हम लोगों ने भारत के संबंध में क्या, और भारत का यूनाइटेड नेशन के संबंध में क्या, यूनाइटेड नेशन विश्व में क्या दिया, कैसे परिस्थितियां बनी, कैसे यूनाइटेड नेशन बना। अब इन सब के बावजूद अगर आपको निष्कर्ष लिखना हो तो कई कमियों के बावजूद हमने देखा है संयुक्त राष्ट्र ने द्वितीय विश्व युद्ध की तुलना में मानव समाज में अधिक सभ्य और विश्व को अधिक शांतिपूर्ण सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सभी देशों के लिए विश्व का एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक निकाय होने के नाते लोकतांत्रिक समाज के निर्माण में अत्यंत गरीबी को जीवन यापन में सुलभ बनाने के लिए, आर्थिक विकास में बढ़ावा देने के, जलवायु परिवर्तन संबंधित मुद्दों में अपनी अहम भूमिका निभाने के लिए, पृथ्वी के इकोसिस्टम को जो है संरक्षण देने के संदर्भ में मानवता के प्रति इसका उत्तरदायित्व में महत्वपूर्ण, दोनों ही बहुत अधिक है। तो ये था निष्कर्ष। आशा करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो ऐसे ही अपडेट के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। इस लेक्चर की PDF हम उस पर शेयर कर देंगे।